चलिए बात रुड़की की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर रुड़की के मेयर गौरव गोयल के यहाँ पर इस्तीफे के बाद पार्षदों ने सिविल लाइन से स्थित यहाँ पर निजी होटल में पत्रकार वार्ता कर निवर्तमान मेयर के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने यहाँ पर भ्रष्टाचार में लिप्त बताया। पार्षद विवेक चौधरी ने कहा है कि राजनीति में यहाँ पर हमेशा विपक्ष होता है और साथ ही इसका सामना राजनीति में यहाँ पर करना होता है। क्योंकि देखिएगा गौरव गोयल क्या करते हैं, पहले दिन से वो गलत जानकारी देते हैं मीडिया को भी और जनता को भी, और वो संतुष्ट हो जाते हैं कि मैंने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं है कि रुड़की जो है बुद्धिजीवियों का शहर है। यहाँ इतने बड़े बड़े संस्थान है, यहाँ पत्रकार बहुत योग्य पत्रकार रहते हैं, वो आपकी चीजों का पोस्टमार्टम तो करेंगे, आपके वक्तव्य का सच्चाई हमें जनता को बतानी है, हमारी ड्यूटी हमने आज बताया। बिल्कुल बेहुदा आरोप है, झूठे आरोप है, जबान से आरोप लगा देने के कोई मायने नहीं होते। अगर मेरे खिलाफ इस तरह की चीजें उन्हें पता थी तो वो जांच करा लेते ना, उन्हीं के साथ साथ मेरी जांच पूरी हो जाती, मैं भी दोषी होता, मैं भी अपने घर बैठता, क्यों नहीं कराई? और मैं तो आज कह रहा हूं उन्हें आज करानी चाहिए, मैं मांग कर रहा हूं प्रेस के माध्यम से। देखिए रुड़की के भ्रष्टाचारी मेयर द्वारा जो 28 तारीख को त्याग पत्र दिया गया है और उसमें आरोप यह लगाया गया है कि नगर निगम का बोर्ड के पार्षदगण, पूर्व के अधिकारीगण, रुड़की के सम्मानित विधायक प्रदीप बत्रा जी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा उनका लगातार शोषण किया जा रहा था। वे रुड़की के झूठे तौर पर जो सेवा करने का उन्होंने नाटक दिखाया है, रुड़की नगर निगम को लूटने का जो उन्होंने दिखाया है, अपने आपको साफ छवि दिखाने के लिए उन्होंने कल घड़ियालवासी रोए हैं, उसको बताने के लिए, शहर की जनता को जताने के लिए।